तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीर, और खीर बना रही हूँ लक्ष्मी पूजा के दिन का ही ये क्लिप है, तो सोची कि इस वीडियो में मैं डाल देती हूँ। तो क्योंकि ये वाला जो मैंने रैक है ना पूजा वाला, उस पर मैं लगाई हूँ वॉलपेपर, तो वॉलपेपर लगाने से ना इसका सुंदरता जो है ना सो और बढ़ गया है, अच्छा लग रहा था देखने में। और यहाँ पर ये क्लिप मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ पूजा होने के बाद, तो ये मैं रखी थी थोड़ा सा पूजा के दिन का ही, और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही हूँ। और यहाँ पे जितना भी बर्तन है ना, जो कि स्टील का है या फिर पीतल का, जो धनतेरस में ली थी, तो उसी में मैं माता लक्ष्मी को, गणेश जी को, विष्णु भगवान को, और जो भी देवी देवता का फोटो मैं रखती हूँ ना, तो उनको भोग लगाई। और अब है दूसरे दिन का ये क्लिप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा टेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? और आज का वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ, 6:30 मॉर्निंग का हो रहा है, तो बहुत काम मैं कर चुकी हूँ और जो काम बचा हुआ है वो मैं करूंगी। और आज मैं कर रही हूँ साड़ी में हैंगिंग टक, साड़ी में हैंगिंग टक करके, और मॉर्निंग का जो भी रूटीन है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और साड़ी में मैं यहाँ पे लगा लेती हूँ हैंगिंग को। तो यहाँ पे हैंकी टक करके और मैं आ गई हूँ आंगन में, और आंगन में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और झाड़ू लगा करके ना उसके बाद मैं आंगन को धो करके तब जाऊँगी घर का जो भी काम है वो करने के लिए। तो ये हैंकी टक वाला आज फर्स्ट वीडियो मैं डाल रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग बोलिएगा तो फिर से मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊँगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हैंकी टक करके आंगन में झाड़ू लगा करके और आ गई हूँ किचन में। तो चाय तो बनाई थी, चाय पी चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं तौलिया थोड़ा जो किचन का है ना उसको मैं पानी से भींगा करके गैस स्लेब को और गैस चूल्हा को ये सब को मैं पोंछ ली, क्योंकि चाय पी थी ना तो थोड़ा सा चाय का गिर गया था। और साड़ी पहन के काम करना मेरे लिए बहुत मुश्किल रहता है, पर फिर भी मैं अपने प्यारे सब्सक्राइबर के लिए, जैसे कि मेरे पास एक कॉमेंट आया हुआ था तो सोची कि चलो ये काम मैं भी, जब इतने दिन से ये कॉमेंट पड़ा हुआ है तो ये क्यों ना वीडियो बनाकर मैं शेयर कर दूँ। तो बस यहाँ पर किचन को मैं पोंछ करके और उसके बाद में जाऊंगी, और दूसरा काम है उस काम को मैं निपटाऊंगी। तो और जो हैंकी में टक की हूँ ना उसमें मैं बीच बीच में हाथ भी पोछते जा रही हूँ, तो जो स्लेब पोछी वो उस कपड़े को धोकर डाल दी सूखने के लिए, और यहाँ पे देखिए जो हैंकी टक की ना उसमें मैं हाथ पोछ ली और आ गई हूँ अब झाड़ू लगाने के लिए। तो इधर हॉल है या फिर 2-3 रूम है, किचन है, पूजा रूम है, तो इसको मैं पहले ठीक कर ली, उसके बाद में यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और जो इधर का 2-3 रूम है उसको मैं पहले इधर का झाड़ू लगा करके बाहर बरामदे में निकाल देंगी, और उसके बाद में इधर आकर के मैं झाड़ू का काम कर लूँगी, और जो भी साफ़ सफाई का रहेगा जैसे कि झाड़ने का, डस्टिंग करने का, वो सब मैं कर लूँगी। तो उधर करके आ गई हूँ इस रूम में, और यहाँ टेबल पे कुछ सामान बिखरा हुआ था तो उसको हटा दी, और मोबाइल या फिर रिमोट जहाँ पर रहता है ना टीवी वाला वो वहाँ पर मैं रख दी, और यहाँ पर शोकेस को भी झाड़ ले रही हूँ। तो ये सब को झाड़ करके उसके बाद में मैं इसमें झाड़ू लगा करके तब लगा लूंगी पोछा। तो वहाँ पे उस रूम को ठीक करके और इस रूम को भी ठीक कर ली, जैसे कि बेड वेड झाड़ ली, बेडशीट चेंज कर दी, और अलना था, पलंग है, जो भी है सो सब उसको साफ़ उफ कर ली। उसके बाद में अब लगा ले रही हूँ झाड़ू, तो ऊपर का जो साफ़ सुफ हो जाता है ना तो नीचे से झाड़ू लगाने में अच्छा लगता है, जो डस्ट है सो नीचे आ जाता है। तो इस रूम में झाड़ू लगा करके उसके बाद में यहाँ पर आ गई हूँ मैं, पोछा लगा ले रही हूँ,
और बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, शायद एक हफ्ता हो गया होगा। तो इस मोबाइल में पैसा भी नहीं था और मेरे फैमिली में कुछ ऐसा हो गया है जिसके कारण कि मैं मन ही नहीं कर रहा था वीडियो डालने का। और हुआ क्या है, जैसे कि पिछले बार आप लोग जानते ही होंगे, अगर मेरे रेगुलर व्यूवर्स होंगे तो आप जान ही रहे होंगे, मेरी बड़ी बहन का जो बेटा है जो कि एक्सीडेंट हुआ था पिछले साल जनवरी में, तो ऑपरेशन तो हुआ था, जो भी था डॉक्टर लोग किए हुए थे, पर अभी साल भर के मैंने, साल भर होने वाला ही है 8-9 महीने के बाद में, अब उसमें से जो प्लेट लगा हुआ था, नट बोल्ट लगा हुआ था ना, उस वहाँ से ना पस आने लगा। तो फिर जा कर के जब डॉक्टर को दिखाया गया, दूसरे डॉक्टर को, तो वो बोल दिए कि नहीं, ये तो बहुत गलत तरीके से ऑपरेशन किया गया था और पटना में ही उसका ऑपरेशन करवाया गया था। तो फिर दूसरे डॉक्टर को दिखा करके उसके बाद में उसका फिर से ऑपरेशन हुआ। तो जिसके कारण ना मन नहीं करता है कोई भी काम करने का, अपने घर में ही हो फिर भी, तो क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे झाड़ू लगाकर पोछा लगाने लगी और आ गई हूँ फिर मैं अपने वीडियो वाली बात में। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा के साथ साथ मैं नाश्ता भी बना लूँगी, क्योंकि आज है भाई टीका, तो भाई टीका के लिए हम लोग जाएंगे घर। तो यहाँ पे मैं नाश्ता बना ले रही हूँ और सब्जी बना ले रही हूँ, आलू, बैंगन, सीम, मूली और उसके बाद में चना, तो यही सब मैं सब्जी बना ली, साथ में रोटी। और एक और मजदूर है जो कि घर में काम कर रहे हैं पीछे वाले बगान में, तो उसके लिए भी मैं खाना बना ले रही हूँ। तो यहाँ पे रोटी सब्जी बना करके और फिर जो बाहर का बरांडा है, हॉल है, वो सब मैं पोछा लगा लूँगी। तो उधर मैं सब्जी को भी चढ़ाती बनने के लिए और साथ में इधर आटा भी तैयार कर ले रही हूँ बनाने के लिए रोटी। तो सब्जी में डाल दी पानी और इधर मैं रोटी तैयार कर ले रही हूँ। और झाड़ू पोछा ही तो नहीं है ना, नाश्ता भी बनाना है क्योंकि जाना है घर। तो यहाँ पे मैं नाश्ता भी कंप्लीट कर ली बना करके, और उसके बाद में यहाँ जो बरामदा है, बाहर वाला हॉल है, या फिर इधर का जो भी रूम है, पूजा रूम नहीं पोछी थी, सोची कि नाश्ता बना लूँगी, इधर से पोछ के आती हूँ तो फिर पोछ लूँगी। तो यहाँ पे मैं पूजा रूम, किचन और यहाँ पे थोड़ा सा जो बरामदा है उसको मैं पोछ ली। और चलिए, तो झाड़ू पोछा और नाश्ता ये तीनों काम हो गया है मेरा। तो मॉर्निंग का सारा काम मेरा हो गया है और हैंकी यहाँ पे टक की हुई थी ना, वो इसी तरह से ही है, अभी दिखा देती हूँ। और बीच बीच में मैं हाथ पोछते भी गई इसमें। और अब चलती हूँ किचन में, बर्तन भी धो करके मैं रख दी और चाय भी मैं पी चुकी हूँ, बर्तन भी मेरा साफ हो गया है कि मैं जाऊंगी अपने गांव, क्योंकि आज है भाई टीका। और भाई टीका के लिए मैं अपने दीदी के लिए, जैसे कि दुर्गा पूजा के समय ही 2 साड़ी ली थी, हम लोग के यहाँ नवमी के दिन पूजा होता है ना, विजयदशमी के दिन, तो उसमें साड़ी पहनाया जाता है और प्रणाम किया जाता है अपने बड़े बुजुर्ग को, तो माता पिता बोलिए या ननद बोलिए, वही मेरे लिए दोनों ही है, क्योंकि हस्बैंड को वही बड़ा की है, मेरे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड के माँ पापा बहुत बचपन में इस दुनिया से चले गए थे, तो वही की है, जो भी हो वो बहन भी बोलिए और उनको माँ भी बोल सकते हैं। तो उनके लिए दुर्गा पूजा में ही साड़ी ली थी, पर तबीयत कुछ खराब हो जाने की वजह से नहीं जा पाई, तो आज जा रही हूँ वही साड़ी पहना करके, और भाई टीका का जो विधि होता है वो टीका करवाऊंगी। तो अगर वहां का कुछ ऐसा रहा तो जरूर क्लिप लूंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी, अगर कुछ ऐसा नहीं रहा तो कोई बात नहीं, फिर यही का जो होगा वही होगा। और आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि अब सबों को भाई टीका की ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से एक बार। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। बाय बाय।